नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत। शख्सियत में हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, डॉक्टर विजय सिंह। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान इस यूनिवर्सिटी ने दिया है। क्या कुछ नवाचार इस यूनिवर्सिटी द्वारा किए जा रहे हैं और छात्रों के भविष्य को लेकर क्या सोच इनकी है, ये हम जानेंगे। आपका बहुत स्वागत डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये विचार आया और यूनिवर्सिटी को इस मुकाम तक आप लेकर आए, शुरुआत कैसे हुई और आप किस तरह से देखते हैं आप इस विश्वविद्यालय की शुरुआत। एक्चुअली हम लोगों ने की 2010 में और 2011 में हम लोगों ने पहला बैच शुरू किया। उस समय मध्य प्रदेश में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज सच काम नहीं कर रही थी और गवर्नमेंट ने उस समय ये शुरुआत की और ये इनिशिएटिव लिया कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का गठन अब हम यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग पहले विश्वविद्यालय थे या संस्था थे जिन्होंने ये प्लान किया और उस समय लगभग भोपाल के आउटस्कर्ट्स में, रायसेन जिला लगता है लेकिन भोपाल में ही है वो, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये शुरुआत की। चूँकि एक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी थी तो वो शहर के बाहर एक बहुत अच्छे सुंदर लोकेशन पे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे अपना बेस बनाया कि हम यहाँ ये विश्वविद्यालय बनाएंगे। और आज के डेट में अगर विश्वविद्यालय को देखेंगे तो वो लगभग 50 एकड़ का कैंपस है और दो साइड हिल्स हैं जहाँ पढ़ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था है और एक अच्छा एनवायरनमेंट है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का जी। तो एक तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन एक बात थी जो कि बहुत अच्छी जगह पे है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बेहतर बात यह है नॉइज बिल्कुल नहीं है वहाँ पे और ग्रीनरी के साथ है, तो एक पढ़ने का माहौल ऑटोमेटिकली बन जाता है। शुरुआत से ही हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय शुरू किया तो उस समय हम लोगों ने देखा कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे प्रदेश की और क्या चाहती है सरकार की, किस तरह कोर्सेज आए ताकि बच्चों का भविष्य बने। एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम किया हम लोगों ने, किस तरह के प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी इंडस्ट्रीज को थी वो सब हम लोगों ने देखते हुए अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए और उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने कोर्सेज शुरू किए जी। उन कोर्सेज में स्टार्टिंग में तो कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज थे, टेक्निकल कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए और उसमें बहुत सारा रिस्पांस बच्चों की तरफ से मिला क्योंकि सीट्स बहुत कम थी उस समय प्रदेश में और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन की कमी भी थी जो कि विश्वविद्यालय स्तर पे हो, जिनकी जो सिलेबसेज हैं अपडेटेड हों, इंडस्ट्री से लिंक्ड हों, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले दिन से देना शुरू किया। स्किल्स कंपोनेंट जो आज हम बहुत सारा सुन रहे हैं उस समय से हम लोगों ने स्किल शुरू किया और अपने छात्रों को हर एक कोर्स के लिए, वो बीए हो या इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, उन दोनों में हम लोगों ने स्किल्स कंपोनेंट को बहुत अच्छे से यूज़ किया और हर एक बच्चे को ये कंपल्सरी किया था कि वो स्किल्स पहले दिन से सीखे ताकि अगर उसको जॉब अगर ना मिल पाए कहीं किसी तरह से तो किसी स्किल्स के साथ वो अपने कारोबार को शुरू कर सकता है। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने की थी, थोड़ा शहर से बाहर था स्टार्टिंग में लेकिन जो लोकेशन थी उसका हमें बेनिफिट मिला और जो हमारे एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज हमारी थी, हमारी संस्था की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हमें लाभ मिला। उसमें जो हमारा आईटी का जो काम बहुत सारा था देश प्रदेश में उसको हम लोगों ने पहले शुरुआत वहां से की थी और उसका फायदा हम लोग को लगातार मिला। डॉक्टर साहब, एक बात है, टेक्निकल कोर्सेज काफी यूनिवर्सिटीज संचालित करती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भरमार है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज जो हैं नए नए तरीके के नवाचार कर रही हैं, नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और ज्योतिष तक पढ़ाया जाने लगा है अब तो यूनिवर्सिटीज में, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अब जिनकी तरफ छात्रों का भी रुझान बढ़ा है और यूनिवर्सिटीज भी चाहती हैं कि इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं ताकि नई नई विधाओं में, नए नए जो है कहना चाहिए कि क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिले। और मेन मोटिव यही है कि रोजगार परक शिक्षा हो, तो इस दिशा में आपकी यूनिवर्सिटी क्या कुछ नवाचार कर रही है जो नया हो और लगे छात्रों को कि हाँ हम यहाँ ये कोर्स भी कर सकते हैं और अपने इसको अपना व्यवसाय बना सकते हैं। एक्चुअली इंजीनियरिंग जहाँ तक बात है उसमें नवाचार की हमेशा रिक्वायरमेंट है क्योंकि डे बाय डे उसमें चेंजेस आते हैं और नई टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो विश्वविद्यालय के पास ये फ्रीडम ऑटोनॉमी होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खासकर है कि वो अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को बदल सकती हैं और ईयर ऑन ईयर बदल सकती हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम लोग ने हर एक बार ये अपने एकेडमिक काउंसिल्स या बोर्ड ऑफ स्टडीज में हम निर्णय लेते थे कि भाई ये अभी रिक्वायरमेंट है। उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के इनपुट्स या इंडस्ट्री के लोग भी होते थे, वो बताते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है,
तो उसके आधार पे हम लोगों ने कोर्सेज अपने चयन किए कि कौन से नए कोर्सेज पढ़ाने हैं। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड बहुत है, खासकर डेटा साइंस को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, डेटा एनालिटिक्स को लेके, तो ये सारे कोर्सेज लगभग बहुत पहले से हम लोगों ने शुरू किया। दूसरा सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कोर्सेज हम चला तो रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई इंडस्ट्री पार्टनर के साथ चलाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत फायदा होता है कि वो उसको इंटर्नशिप की फैसिलिटी, अप्रेंटिसशिप की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में एब्जॉर्ब होने की भी संभावना बहुत होती है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एसोसिएशन किए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारे एक समय एसोसिएशन था, फिर माइक्रो फोकस एचपी जो है कंपनी उनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया, रेड हैट के साथ किया, तो इस तरह से इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज हम लोगों ने चलाए। तो बी कर रहा है, अगर बीटेक कर रहा है बच्चा, लेकिन साथ साथ अगर वो ये कोर्सेज भी साथ में करता है तो उसको एक तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हम लोग शुरू से सजग थे, और उस समय भी हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप सेल हमारे पास था। स्टार्टअप की बात हम लोग बहुत सुन रहे हैं और इंक्यूबेशन की बात बहुत सुन रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की, जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अगर बच्चे के पास कोई आइडिया है और वो इंक्यूबेट होना चाहता है कि भाई मैं इसको प्रोटोटाइप के लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ या फिर मैं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहता हूँ, तो उसको भी हम लोगों ने प्रमोट किया। और मेरे को आज कहने में बहुत अच्छा लगता है कि लगभग 53 स्टार्टअप्स हमारे यहाँ हैं, इंक्यूबेशंस हैं, इंक्यूबेटरी हैं, जो कि लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हम लोगों ने क्रिएट की है, जिसमें एडवांस मशीनरीज हैं जो कि भोपाल में शायद नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी, और एक बढ़िया एक टीम है जो कि मेंटर्स की टीम है, वेंचर कैपिटलिस्ट की टीम है, जो कि अगर आइडियाज़ हैं अच्छे और इंक्यूबेट होते हैं और वो लगता है कि मार्केटेबल हैं तो उसको वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपने हाथों हाथ लेते हैं, प्लस मेंटर्स उनको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को। तो एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया जो कि मदद करता है इन बच्चों को। मैंने जैसा स्किल के बारे में कहा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री सपोर्टेड हमारे यहाँ लैब्स हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र तो है ही, जो कि सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ डाइकिन जैसे रेफ्रिजरेशन और एसी में बहुत सारा काम है वो हमारे साथ है, हमारा लैब हमारे पास है। बॉश का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारा इंडस्ट्री ग्रेड मशीनरी और टूल्स बनाते हैं, उनका एक सेंटर हमारे पास है। इसी तरह से एक दीनदयाल उपाध्याय केंद्र जो कि भारत सरकार का है, उसको भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लुकास नूले करके एक जर्मन की लैब है, वो भी हमारे पास है, जो कि सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, टाटा का हमारे पास सपोर्ट है, और मैंने और नाम लिए जो आईटी कंपनीज जो हैं सपोर्टेड लैब्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से उन बच्चों को बहुत सारा अलग से इनपुट मिलता है ताकि वो आगे अपने भविष्य में कैरियर स्थापित कर पाए। तो सब एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं, जिसकी जैसी रुचि होती है, जैसा रुझान होता है, जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, मध्य प्रदेश में उन सुविधाओं का जो है अभाव रहा विगत सालों में, लेकिन अब धीरे धीरे आप जैसे लोग जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो तमाम चीजें बच्चों को मिल रही हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज को देखें और हम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को देखें, तो बच्चों को आप क्या कहेंगे कि क्या आप में खास है? हम लोग एक वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, सारे लोग कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है हर एक विश्वविद्यालय, हर एक इंस्टीट्यूशन करता है, लेकिन धरातल पे कितने लोग कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मैं किसी पे क्लेम भी नहीं करना चाहता कुछ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ बता सकता हूँ, हमारा विश्वविद्यालय जो कर रहा है बता सकता हूँ। हमारे कैंपस में आपको हर एक विधा के लोग मिलेंगे, हर एक विधा की लैब मिलेगी आपको, और ये फ्रीडम होता है बच्चे के पास कि वो उस विधा को अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, और उसका पूरी ट्रेनिंग हम अपने कैंपस में कराते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर उसको एग्रीकल्चर का कोई कोर्स करना है तो वो कर सकता है, अगर उसको लिबरल आर्ट्स का कोई कोर्स करना है तो कर सकता है, वो अगर ट्रांसलेशन में काम करना चाहता है कर सकता है, वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है सीख सकता है, तो इस तरह लॉ में कोई प्रोग्राम सीखना चाहता है सीख सकता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो बात है, या फिर अगर स्किल बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं, आज एनईपी की बात हो रही बहुत सारी, तो ये काम पहले से कर रहे हैं। मेरे यहाँ अगर आप ड्रामा और थिएटर सीखना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना है, मेरे यहाँ अलग से पूरी टीम है, और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है या मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है तो वो भी संभव है। स्टूडियो मेरे पास इतना बड़ा तो नहीं जितना आपका है, लेकिन फिर भी है मेरे पास, जिससे कि मैं अपने यहाँ ऑनलाइन कंटेंट्स बना सकता हूँ,
ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, उसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास और इनको बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ मशरूम कल्टीवेशन का काम करना चाहता हूँ तो वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, यही सारी चीजें हैं। अगर मैं कोई थिएटर या ड्रामेटिक का कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो वो भी उपलब्ध है। मेरे को होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं वेल्डिंग सीखना चाहता हूँ, मैं रिटेल का कोई कोर्स करना चाहता हूँ या रेफ्रिजरेशन का कोई काम करना चाहता हूँ, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे इनोवेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और इन कोर्सेज में अब तो एनईपी ने कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शुरुआत से ही था कि पूरा कोर्स पढ़िए लेकिन दो स्किल्स मैंडेटरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। वो उस कोर्सेज की लिस्ट थी हमारे यहाँ कि ये हमारे पास स्किल कोर्सेज हैं, इसमें से आप ऑप्ट कर लीजिए दो जो आपकी रुचि के कोर्सेज हैं, तो उस बच्चे को अपने रुचि के अनुसार कोर्स करने में मदद मिलती थी। दूसरा, स्पोर्ट्स को लेके, कल्चर को लेके भी बहुत सारा काम हमारे यहाँ है। एनसीसी एनएसएस हम लोग कर रहे हैं, ये मुझे, मैं बहुत प्राउड फील करूँगा बताते हुए आपको कि हर एक साल अपने विश्वविद्यालय से एक ना एक स्टूडेंट हमारे यहाँ आरडीसी कैंप में जाता है, परेड में हिस्सा लेता है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि कम से कम मध्य प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें लगातार हर एक साल बच्चा वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और पिछले साल, विगत वर्ष तो लगभग दो बच्चे हमारे यहाँ से थे, वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा कि किसी एक यूनिवर्सिटी से दो बच्चे वहाँ पे गए। एनएसएस में भी लगभग हम लोगों ने 5 गांव गोद लिए हुए हैं और लगातार वहाँ पे जो योजनाएं हैं सरकार की हैं, या फिर हम बहुत सारे कोर्स कराते हैं बच्चों को, लिटरेसी का कोर्स है या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें, ये सारी चीज़ें हम लगातार उस गाँव में कर रहे हैं। और लगातार मीडिया भी इसको कवर करता है कि जो इनोवेटिव काम है वहाँ पे करते हैं। सोलर पे बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे। स्पोर्ट्स में और कल्चर में अगर बताऊँ तो कल्चरल में हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एआईयू का एक बड़ा इवेंट साल भर में होता है जिसमें कि रीजनल होते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल बनते हैं। ये भी कहते हुए अच्छा लगता है कि 3 साल से लगातार हमारा ट्रॉफी जो है वो हमारे पास है, नंबर 1 की ट्रॉफी हमारे पास। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक बात जो हम करते हैं वो एक्चुअल रियलिटी में हमारे विश्वविद्यालय में दिखता है, जिसमें कि पढ़ाई लिखाई, प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, कल्चर, समाज से जो निकटता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। और बच्चे लोग इसको पूरी तरह से इसको अपने जो शिक्षा दीक्षा है उसमें सम्माहित है। सर, तो सब एक अहम सवाल है और वो है कि पिछले कुछ सालों में हमेशा देखने में आया है कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण, उसको लेकर तमाम बातें होती हैं, लेकिन जब शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं सामाजिक सरोकारों से जुड़कर बेहतर काम करती हैं और इस काम को एक सेवा भाव की तरह समझती हैं तो रिजल्ट्स कुछ बहुत बेहतर आते हैं। तो इस दिशा में सामाजिक सरोकारों से जुड़कर शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर युवा को शिक्षा मिले, इस दिशा में यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ बेहतर कार्य किए गए हैं।